सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्रेज। मैं क्या हूँ सक्सेसफुल लाइफ। गाइस, आपको पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से महिला एवं बाल अपराध 300+ की जो क्वेश्चन की सीरीज चलाई है मैंने, उसका आज पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में मैंने आगे क्वेश्चन को बताते हुए आपको कुछ हेल्प की है एग्जाम में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो इस सीरीज से रिलेटेड है वो मिस ना हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में प्रसिद्ध देवराला सतीकांड प्रथा किससे संबंधित है। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिया है, सीकर, बूंदी, जोधपुर और बीकानेर। तो गाइस, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही है, उसको आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए राजस्थान की जो महिला व बाल अपराध होता है उसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। उसी 10 क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन लगभग 80 से 100% तक इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं 300 सीरीज में से। ओके, तो वीडियो को पूरा इस सीरीज को पूरा देखने की कोशिश करें। हर वीडियो को देखें, डेली के डेली आपको ये वीडियो मिलती है इस चैनल पर, तो इसको देखना ना भूलें। तो इसका आंसर आपको बताते हैं गाइस, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बूंदी है, ठीक है। अब बूंदी से रिलेटेड आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और भी देख लेने हैं गाइस। इसमें मैंने आपको पॉइंट बताया है, बूंदी राजस्थान में बूंदी रियासत द्वारा 1822 को सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। गाइस, यहाँ पर जो सती प्रथा पर 1822 को रोक लगाई गई थी, ये आपको एक बार पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, जोधपुर में इस रियासत में राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह को समाप्त करने हेतु कानून बनाया गया था। जोधपुर इस रियासत में, जोधपुर में इसका बाल बाल विवाह समाप्त करने का कानून बनाया गया था। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, नोट पॉइंट है, राजस्थान में डायन प्रताड़ना पर काबू पाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा राजस्थान प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 बनाया गया। ये 2015 में डायन प्रताड़ना कानून बनाया गया था। गाइस, यहाँ पर ये डायन प्रताड़ना आया है, तो ये होता क्या है, इससे आगे पॉइंट देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर होता है डाकन प्रथा या डायन प्रथा, इन दोनों में से एक ही, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें से आपको देख लेना है, एक और प्रथा थी जो पहले राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रचलित थी, ठीक है। इसमें ग्रामीण औरतों को डाकन यानी अपनी तांत्रिक शक्तियां, डाकन को क्या बोलते हैं गाइस, तांत्रिक शक्तियों से नन्हे शिशुओं को मारने वाली अंधविश्वास पर आरोप लगाकर निर्दयता पूर्वक मार दिया जाता था, डाकर प्रथा में, ठीक है। इस प्रथा के कारण सैकड़ों स्त्रियों को मार दिया जाता था। यहाँ पर जैसे डाकर प्रथा आपको दिख रही है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे का, मई 22 मई 2018 को राजस्थान सरकार द्वारा महिला कर्मचारी द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत पूरे सेवा काल में कितने दिन का चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। गाइस, महिला अपनी पूरी सेवा काल में कितने दिनों का चाइल्ड केयर लीव ले सकती है। तो गाइस, यहाँ पर आंसर देखते हैं आपका, ऑप्शन होगा आपका 730। ओके, 730 दिन की आपकी ये महिला छुट्टी ले सकती है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मातृत्व अधिनियम 1961 मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चों की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ये गाइस, यहाँ पर महिला अपने बच्चों की केयर के लिए 730 दिन की लीव ले सकती है और उसे की पूरी सैलरी उसे दी जाएगी, उसकी कोई कट नहीं होगा वो सैलरी में से। तो गाइस, और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानवीय और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को किस अधिनियम के तहत गर्भपात का अधिकार प्रदान किया गया है। तो गाइस, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो गाइस, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है, द मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सी सन में लागू किया गया था। तो गाइस, यहाँ पर 1971 आपको आंसर देना है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला इसी पे नोट पॉइंट देख लेते हैं, वर्तमान कानून द मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कोई भी महिला सिर्फ 20 हफ्ते से तक की गर्भपात कर सकती है। अगर 20 हफ्ते से अधिक ऊपर हुआ तो उसे कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये आपका नोट पॉइंट है। तीन तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था। गैस, यहाँ पर तीन तलाक जो है कब पारित, लोकसभा में कब पारित हुआ था। गैस, यहाँ पर आपका देख लेना है, 25 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। इससे नोट पॉइंट देख लेते हैं, आंसर आपका है 25 जुलाई 2019। इससे नोट पॉइंट देख लेते हैं,
25 मई 2019 लोकसभा में पारित 3 तलाक और गैर जमानती अपराध घोषित पुरुष के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान, 3 तलाक द प्रथा को खत्म करने का प्रावधान किया गया था। ओके, अगला नोट पॉइंट है गैस, यहाँ पर 30 जुलाई तो गैस यहाँ पर जो थोड़ा 2000 आपका ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 2019 है, ठीक है, ये आपको थोड़ा देख लेना है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 2019 है, 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ था और 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा से स्वीकृति दी गई थी, ठीक है, और किसने दी थी, रामनाथ कोविंद जी ने दी थी। ओके, यहाँ पर आपको देख रहा है थोड़ी ये मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग करते टाइम पे, तो एक बार देख लीजिए। ओके, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट किसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो गैस यहाँ पर पॉक्सो एक्ट को आपको बताना है, तो पॉक्सो एक्ट आपका 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को प्रदान सुरक्षा प्रदान करता है, आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो गाइज इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, सभी बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प करेगी, राजस्थान पुलिस के लिए है के, तो इसमें से आपको 80 से 100% तक आपको क्वेश्चन में देखने की संभावना होगी, जो थर्ड 300+ जो सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इसमें से। ओके, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो और ये भी बता कमेंट कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ये हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें यहाँ पता पड़ता है कि वीडियो को बच्चों को पसंद आ रही है तो हमें बनानी चाहिए। ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और बताएं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डेली की तरह डेली क्वेश्चन सीरीज में, तब तक के लिए चलते हैं।